दोस्तों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड का तरफ से सिविल इंजीनियर के लिए एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी आया है। तो इसमें आपके लिए गेट 2024 का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए एंड जो अदर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लास्ट डेट कब है, सैलरी कितना मिलेगा, सब डिटेल हम लोग अभी एक एक करके देखते हैं। तो चलिए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में हम लोग जानते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आता है, एक बहुत अच्छा पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में देखिए, ये हो गया आपका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें आपको गेट 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगा एंड ग्रुप डिस्कशन होगा एंड इंटरव्यू होगा एंड फाइनली आपको सिलेक्शन किया जाएगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको ये सब है पावर ग्रिड का तरफ से। देन वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैलिड स्कोर कार्ड आपको होना चाहिए गेट 2025 का। कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन द करेस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2025। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ईई जो सिंबल रहता है, करेस्पॉन्डिंग गेट 2025 पेपर, एंड सिविल इंजीनियर के लिए सीई, एंड इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए सीएस, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ईसी। ओके, देन देखिए फुल टाइम आपको बीबीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में एंड मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट सीजीपी आपको होना चाहिए। एंड फाइनल ईयर सेमेस्टर, फाइनल ईयर रिजल्ट्स बाय 14/8/2025 आपको होना चाहिए। देन देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड आउट ऑफ 100 इन द करेस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2025। ओके, आपको गेट का जो स्कोर होगा उसी बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन इंटरव्यू होगा एंड ग्रुप डिस्कशन होगा, देन फाइनली आपको सिलेक्ट किया जाएगा। करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2025, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ई सी, सिविल इंजीनियरिंग सी एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सी एस। इसके लिए कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2025 शैल ओनली बी एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन। ओके, तो सबसे पहले आप गेट का वैलिड स्कोर रहना चाहिए गेट 2025 का। देन इसके बाद देखिए आपका अनरिजर्व के लिए 40%, ओबीसी 30% ये सब है, एंड जो वेटेज होगा गेट 2025 के लिए आपको वेटेज होगा 85% एंड ग्रुप डिस्कशन का वेटेज है 3%। देन आपको जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको वेटेज है 12%। सब मिलाकर आपको 100% होगा एंड 100% का बेसिस पे आपको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। एंड प्लीज नोट दैट ओनली गेट 2025 नॉर्मलाइज मार्क्स आउट ऑफ 100 इज वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। गेट स्कोर ऑफ 2024 और प्रायर इज नॉट वैलिड, मीन्स गेट 2024 का भी आपका पास वैलिड स्कोर है तो आप लोग एलिजिबल नहीं होगा, आपको गेट 2025 का ही स्कोर रहना चाहिए। देन आपको कॉम्पेंसेशन पैकेज, को पैकेज कितना मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आपको सबसे पहले एक साल ट्रेनिंग होगा। द कॉर्पोरेशन ऑफर्स अ वेरी अट्रैक्टिव पे पैकेज एंड इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। आपको ट्रेनिंग पीरियड में 10.70 लाख मिलेगा पर एनम एंड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग आपको 21.40। हम लोग जानते हैं पावर ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा सैलरी पैकेज देता है, तो ये आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड आपको सैलरी मिलेगा 21.40 लाख। लेकिन इसके लिए आपको गेट 2025 का एक वैलिड स्कोर कार्ड रहना चाहिए एंड पावर ग्रिड के लिए आपको कट ऑफ भी हाई रहता है कंपेयर टू द अदर पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग द कैंडिडेट विल बी ऑब्जर्व्ड एज इंजीनियर इन E2 स्केल, आपको E2 ग्रेड में लिया जाएगा। देन आपके पास एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी होगा, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग पीरियड एंड देयर आफ्टर आपको कितना बॉन्ड होगा 5 लाख का एक बॉन्ड रहेगा फॉर जनरल ओबीसी एंड एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपका, एंड 2,50,000 होगा फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ओके, देन आपको और जो इम्पोर्टेंट डेट है वो एक बार देख लीजिए। इम्पोर्टेंट डेट है, सबसे पहले आपको तो ऑनलाइन में रजिस्टर करना होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए डेट वो तो हो गया, 7 अक्टूबर 2024 का लास्ट डेट था। आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा, कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन टू पावर ग्रिड ये टेंटेटिव है February 2025 तक। ओके, लास्ट डेट होगा March 2025, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू पावर ग्रिड March 2025। ओके, तो आपका पास लेकिन गेट का एक वैलिड स्कोर कार्ड विथ हाई परसेंटेज आपको रहना बहुत जरूरी है पावर ग्रिड में काम करने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर से हम लोग एक नया जॉब अपडेट के साथ मिलेंगे।